हाय, हाउ आर यू पीपल? कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि यू पीपल आर फिट एंड फाइन। ओके, सो आज के सेशन में हम मेंटी क्विज करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी सरप्राइज। एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में गेस कर रहे थे। मैंने लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करने के बाद चेक किया था, तो कई सारे बच्चों का गेसिंग ऑब्वियसली राइट है, बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर एंड साइंस का टर्म उनका पहला चैप्टर क्या है। बाकी लोग भी गेस करके देखो, ठीक है? टिल दैट, हेलो, हाय एवरीवन, हेलो, हाय 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 आदित्य। कौन से सब्जेक्ट का लाइव स्ट्रीम होगा? तो लाइव मैं ले रहा हूँ, दैट मीन्स कि इट विल बी साइंस और मैथ्स। ठीक है, आइदर साइंस होगा या फिर मैथ्स होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ओके, हेलो, हाय, छोटा मोटा ब्लॉगर। ओके, ही थिंक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी लोगों को क्या लगता है कौन सा चैप्टर होगा? हाय नवीन झा, हेलो, हाउ आर यू? हाय शीतल, हेलो सिद्धि, हाय आदित्या, हाय डैशिंग शॉर्ट्स, हाय अमृता, हाय, हेलो, हाउ आर यू पीपल? क्या हाल चाल? व्हाट्सअप? बाय द वे, शेयर द सेशन लिंक इन अपने दोस्तों के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो। आप लोग कह रहे थे मेंटी कोच लेने के लिए, तो मैं ले रहा हूँ। तो अगेन, हम इसको कब, कितनी दिन लेंगे, कितनी बार लेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फीडबैक। तुम्हारा फीडबैक पर डिपेंडेंट है, म्हणूनच खूब चांगले फीडबैक दिया। ओके, हाय, वेलकम वेलकम टू द सेशन। हाय, हेलो, हाय एवरीवन, हाय सूरज, हाय सिग्मा, हाय विवेक। 21 खरीद लेके, इट्स टोटली अप टू यू। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है? इट्स अप टू यू। हाय, हेलो सूरज, आई गेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी लोगों को क्या लगता है कौन से चैप्टर पे होगा सरप्राइज मेंटी क्विज? हाय प्रीति, हाउ आर यू? हेलो सरला, हाउ आर यू? सर, पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, धीरे धीरे जब सक्सेस मिलने लगेगा तो मोटिवेशन अपने आप बिल्ड होगा। ओके, सो माई डियर सुपर लर्नर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आप लाइक को, लाइक का बटन दबा दीजिए और मैं हमारे इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो अगर हम निकाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टेक्सट बुक, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टेक्सट बुक निकाले, तो ऑन द पेज नंबर, कुछ भी नहीं है पेज नंबर, वैसे यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली 0 बोल सकते हैं इसको एक बुक के लिए, लेकिन जहाँ पे हमारा कॉन्टेंट्स लिखा हुआ है पेज नंबर पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉन्टेंट्स वाला पार्ट लिखा हुआ है, कॉल्ड कॉन्टेंट्स, ओके, उस वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं एक बार, बाय द वे, तो उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जो साइंस के हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें से 9th में होता यूजुअली ये है, कई सारे स्कूल्स में थोड़ा सा अलग भी फंडा होता है, बट यूजुअली जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाय, हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो आप सब? ठीक है, कि ये लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, और यहां से लेकर के ये 10 चैप्टर तक यूजुअली टर्म 1 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ लोग 9 तक भी कंसिडर करते हैं, या कुछ लोग 10वां भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एक छोटा चैप्टर है, टर्म 1 में कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद के चैप्टर्स को टर्म 2 में कंसिडर किया जाता है। मतलब एक सेमेस्टर 1 से पहले हो जाता है और एक सेमेस्टर 2 में होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी लोग मुझसे एग्री करते हैं, जितने भी बच्चे 9th से पढ़ चुके हैं वो जो इस सेशन में है, और 10th वाले हाँ मेंटी क्विज देने आ गए। ओके, और बाकी जो अभी 9th में गए हैं उनके स्कूल्स में बताया होगा, डू यू एग्री कि कुछ ऐसा ही बताया या कुछ अलग बताया है, प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताओ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम टेक्सट बुक में डिवाइड कर लें, ठीक है, अगर हम जाते हैं सीधे ऑन द वेरी लास्ट पेज, ठीक है, अगर मैं पेज नंबर 215 पे जाता हूँ, देखो कई सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। 215 नंबर पेज पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला चीज दिखता है, टर्म वाइज चैप्टर्स, ठीक है, हमें क्या दिखता है, टर्म वाइज चैप्टर्स। तो ये टर्म वाइज चैप्टर में हमें दिखता है कि भैया ये वाले चैप्टर्स को पार्ट 1 में कंसिडर किया जाता है, इन वाले चैप्टर्स को पार्ट 2 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। खैर, ये तो टर्म 1 फर्स्ट टर्म में हो चुका है, तो इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है प्रांजल, तो हमें किससे लेना देना है, तो स्वयं हमें लेना देना है इन चैप्टर से। तो ये पार्ट 1 के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, कार्बन कंपाउंड्स एंड सब्सटेंस इन कॉमन यूज, ये हमारे पार्ट 1 के 4 चैप्टर हो गए, और पार्ट 2 के टर्म 2 में हमारे चैप्टर्स हो जाएंगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी,
एंड ऑब्जर्विंग द स्पेस टेलीस्कोप। तो ये हमारे वो चैप्टर हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप दैट्स क्लियर। असलीम समझ आ गया, समृद्धि, कनन, श्रीमंत, प्रांजल, एवरीवन, ए डैशिंग शॉर्ट्स, कनन, अमृता, वन टाइम, स्वयं, आदित्य पाटिल, सरला, एवरीवन, आई होप दैट्स क्लियर। अब मैं जो मेंटी क्विजेस लेने वाला हूं आदित्य, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन सारे चैप्टर्स पे से एटलीस्ट तुम लोगों को 50-50 क्वेश्चंस या फिर 50 नहीं तो कम से कम 30 क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है, इन नंबर ऑफ सेशंस, एक बार में नहीं, इन सारे चैप्टर्स पे आपको मेंटी क्विज के थ्रू एटलीस्ट मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं। ठीक है, मेरा गोल होगा, मेंटी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेंटी क्विज क्या होता है, इंगेजिंग होता है थोड़ा, तो थोड़ा सा इंगेजमेंट होता है, लीडर बोर्ड दिखता है तो अच्छा लगता है अपने आप में, ठीक है, उससे क्या होता है, मेंटी क्विज से थोड़ा अच्छा फील होता है लीडर बोर्ड में। और ऐसे भी जो बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है वो एक लीडर बोर्ड का अपना नाम तो डिजर्व करता ही करता है, बट इससे निराश नहीं होना है। हमें क्या करना है एट द एंड, हमें इससे समझ के लेना है। जब मैं आपको, जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूं। अगर सारे बच्चों का सही है तो फिर एक्सप्लेनेशन की मुझे नहीं लगती कोई नीड है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू अ बिट। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। खैर, आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, आई एम गोइंग टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन माय डियर लर्नर्स। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक तो एक समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारा सरप्राइज रिवील हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, बट कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात पता है कि हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम शुभम झा है, शुभम झा, ठीक है, शुभम झा है, उसके ऊपर साइंस के 1 से लेके 18 चैप्टर्स पूरा अपलोडेड है, साइंस के 1 to 18 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है और वो भी बहुत अच्छे से। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? थैंक यू जयश्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमरान, आपने बहुत प्यारा मैसेज लिख करके डिलीट मार लिया, मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी। ओके, कितने लोगों को ये बात पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमारे चैनल पे 1 से 18 चैप्टर्स पूरे के पूरे अपलोडेड हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, हम कुछ चीजें हम यूज करते हैं, वो ऐसा कहता है कि शुभम सर, शुभम भैया, शुभम, ठीक है, आपके चैनल पे मार्च 2024 तक, ठीक है, 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्या मैं कहता हूं कि हम तो इससे पहले कर देंगे। कैसे? क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ा रखा है और अभी जो हमारे बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करेंगे तो हम जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि हमने कर रखा है। आप सिंपली चैनल पे जाइए, कोई भी चैप्टर आप सर्च करिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम स्टडी ऑफ साउंड, आप सिंपली ऐसे सर्च करना स्टडी ऑफ साउंड शुभम झा, आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे सर्च करना, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू जयश्री, अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली कॉमेंट। ठीक है, चलिए, तो आर यू पीपल रेडी फॉर द मेंटी क्विज? हेलो, थैंक यू दिलेश्वरी खतरे, थैंक यू सो मच, दैट्स आई थिंक दैट्स आयुषी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आर यू पीपल रेडी? जस्ट लेट मी नो, बल्ले बल्ले, हेलो एवरीवन, जस्ट लेट मी नो फटाफट, आर यू पीपल रेडी फॉर द मेंटी क्विज? चैट में बताइए फटाफट, आर यू पीपल रेडी फॉर द मेंटी क्विज? बिकॉज वी हैव दिस मेंटी एंड यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भी दिख रहा होगा मेंटी को ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओह बाय द वे, अगर आप 9th स्टैंडर्स हैं तो एक छोटा सा गुड न्यूज दे रहा हूँ जितने लोग इस सेशन में आए हैं उन सभी लोगों को, कि हमारा 9th का जो विक्ट्री बैच है, बाय द वे आई जस्ट शेयर विथ यू इन नेक्स्ट 1 मिनट, जो हमारा 9th का जो विक्ट्री बैच है, प्रभु ध्यान से सुन लीजिए, उस पे न्यू ईयर का हैप्पी 2024 करके एक कूपन कोड लगा दिया है। तो आप अगर जाते हो तो जो 5000 में आपको मिल रहा था, बचा हुआ जितना भी 9th है टर्म 2, आपको हम केवल 2500 में पढ़ाएंगे और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक बात। दूसरा, हम 9th फ्री में भी ले रहे हैं एडमिशन। अगर आप हमारे पास अभी हमारे आरंभ 3.0 बैच में इनरोल कर लेते हो, 10th के लिए अभी एडमिशन ले लेते हो 7500 पे करके, तो हम आपको फाउंडेशन और 9th फ्री में दे देंगे और साथ साथ कुछ और भी बोनसेस हैं जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से 34 स्टूडेंट हो चुके हैं, जैसे बेसिक टू एडवांस ग्रामर कोर्स, फाउंडेशन बैच जो मैम ने आपको बताया, PYQ की एक पूरी बुक और टाइम मैनेजमेंट कोर्स फ्री में आपको मिलेगा। अगर आप 9th ऑलमोस्ट और फाउंडेशन फ्री में है
अगर आप अभी 10th के बैच में एडमिशन ले लेते हैं, हम कॉम्बो बैच बोल करके बुलाते हैं और इस पे भी ऑफ कर दिया है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना। एंड बाय द वे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेंटी नाउ, ठीक है? जितने लोग इंटरेस्टेड है यू कैन कॉल मी, जो नंबर यहाँ पे स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। मैं QR कोड यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ जिससे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? कैन यू पीपल सी दिस QR कोड? यस, यू कैन स्कैन दिस QR कोड इन योर फोन्स एंड यू कैन सिंपली ज्वाइन, ठीक है? आप ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? यू कैन ज्वाइन बाय स्कैनिंग दिस QR कोड एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू पोस्ट द लिंक ऑफ मेंटी। 3-4 बार मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो दिस इज द लिंक, जो लोग उससे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, यू कैन यूज दिस लिंक। 9th की टेस्ट सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट बनाना, नुकसान हो जाएगा उसमें मेरा, बहुत हद से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गोइंग टू डू दैट, सॉरी। अभी ये तो सरप्राइज है भावा, अभी वो तो अभी रिवील होगा। यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस लिंक, यू कैन यूज दिस लिंक टू ज्वाइन। चलो आई विल वेट फॉर 10 स्टूडेंट्स, में से 8 आ चुके हैं, नहीं कितने आ गए, 8 प्लेयर्स आ चुके हैं। आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स, फटाफट ज्वाइन कर लो। ओके 12 एंड विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। ओके नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम स्टार्ट कर देंगे, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आई विल अगेन पोस्ट द लिंक, मैं आपको अगेन फिर से लिंक दे रहा हूँ। यू कैन यूज दिस लिंक डैशिंग शॉर्ट्स जी, आप इस लिंक का इस्तेमाल करके मेंटी पे आ जाइए, और मेंटी पे आने के बाद आप अगर अच्छे से आंसर देते हैं तो आप लीडर बोर्ड पे आ जाओगे। मिक्सर सबको ज्वाइन हो जाने दो बहन। चलिए यू कैन यूज दिस लिंक टू ज्वाइन, या फिर आप वो नंबर डाल करके ज्वाइन कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई विल वेट 2 मिनट्स बोला था, हम 18:42 को स्टार्ट कर देंगे, 6:42 पर स्टार्ट कर देंगे। गोस्ट ओके, टिल दैट यू कैन कॉमेंट कि आपका इमोजी कौन सा है, आपका अवतार कौन सा है मेंटी, व्हाट इज योर अवतार ऑन मेंटी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज योर अवतार। फास्टर, एंड वी हैव 30 स्टूडेंट लाइक्स हियर। ओके सो इट्स 6:42 एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट द अमेजिंग वाला मेंटी क्विज। वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन and here comes the very first question and that is light kya hota hai basically, what is light? agar hum thode detail mein jayenge to fir thoda sa alag duniyadari ki baaton mein hum ghus jayenge, but mota mota light kya hai, ek energy hai ya kuch aur hai? true or false form mein question puch liya hai, you are supposed to answer this, aur ye bahut basic simple chindi mindi question hai, kisi ka galat nahi hona chahiye, theek hai? इनफैक्ट यू नो अगर कोई भी अच्छे टीचर आपको ये पढ़ाता है ये चैप्टर, ठीक है, दो लोगों ने इसमें भी गलत कर दिया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेट सी, लीडर बोर्ड पर ऊपर आने का बढ़िया मौका मिला था सभी लोगों को इन दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सूरज, ऋतिक, ज्ञानेश्वरी, एनी, तस्लीम, ओल्फ मेस्टर, फातिमा, वोट गोट, ओलहॉप, रिया, प्लीज चेंज योर नेम्स गाइज। सो सूरज इज फास्टेस्ट, बहुत बढ़िया सूरज, सो प्राउड ऑफ यू। बेसिकली लाइट, एक बच्चा कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, गलत नहीं कह रहा। तो अगर हम ये वाला चैप्टर देखें, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देखें, देखो कई बार ना एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन साइंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग, जैसे कैन यू रिकॉल है, या फिर यूज योर ब्रेन पावर है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ एग्जाम में भी हम ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस इन एग्जाम। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा व्हाट इज लाइट, ठीक है, और यहाँ पे बताया भी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा नहीं कि बताया, आंसर नहीं बताया, दे हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड आंसर। लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है, दे हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इट। लाइट क्या है एक्चुअली, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन, और हम इसको सिंपल भाषा में हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि लाइट एक फॉर्म का एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, हम इसको ऐसे भी समझ के लेते हैं। बट अगर हम और ज्यादा एक्यूरेट आंसर ढूंढेंगे तो व्हाट इज द मोर एक्यूरेट आंसर, कि लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। गॉट इट, वेरी सिंपल। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है, और इसके अंदर एक कंपोनेंट मैग्नेटिज्म वाला है,
ये दोनों है। और अगर हम थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है, एक एक्सेस बना करके कि किस तरीके से ये दोनों इस तरीके से अगर एक ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा भी सिमिलरली इस तरीके से उसको परपेंडिकुलर करके यहाँ पे ट्रैवल करता है, मतलब उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ऐसे डिटेल में सिखाया जाएगा। आई रियली होप कि दैट्स वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल पीपल। नाउ विल सी द लीडर बोर्ड, तो हमने देख लिया, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हिट द लाइक बटन लर्नर्स, हिट द लाइक बटन। एंड हियर वी हैव 28 प्लेयर्स इन द गेम। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से क्या सही है। अगेन दैट्स अ ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कुछ गलत दिया है कुछ सही दिया है, एंड यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई इज इक्वल टू आर इज द राइट थिंग। और यहां पे इसका टेक्स्ट बुक में कहां पे है, ओके, तो आई होप दैट्स विजिबल। ओके, लीडर बोर्ड देख लेते एक बार पहले, लेट्स सी द लीडर बोर्ड वंस बिफोर मूविंग फर्दर। तो लीडर बोर्ड अगर हम देखने जाए, बाकी सब गलत था वैसे, ये आई इज इक्वल टू आर सही था। सूरज, ऋतिक, तस्लीम खान, रिया, विवेक, आयुषी, चंदन ने भी दिया, रोनाल्ड ने भी दिया, वेरी गुड। ऋतिक इज द फास्टेस्ट, बहुत बढ़िया ऋतिक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बाय द वे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो अगर लैग हो रहा है तो इसमें आपका कोई दिक्कत होगा, अपने इधर सब सही है। ये क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसा है कि सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ये है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर है मान लो, या फिर एक कोई प्लेन सरफेस है, वैसे ये सरफेस रब भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि लाइट इसमें से पास नहीं होने वाला अभी, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो लाइट इज नॉट गोइंग टू पास फ्रॉम, ओपेक होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, तरीके से जो रे ऑफ लाइट आया एक, तो ये जो रे ऑफ लाइट आता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे बुलाते हैं, कॉल इट एज इंसिडेंट रे। आई रियली होप एवरीवन नोज दिस, राइट, सबको ये पता है। अब ये लाइट जहाँ पे इस तरीके से गिरता है जिस पॉइंट पे, ठीक है, ये ऐसे 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 हम करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट नॉर्मल, वो एक नॉर्मल होता है। और ये लाइट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, तो इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बुलाते हैं, कॉल इट एज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये पता है। अब एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो यहां पे एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे होगा वो एंगल आई है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है, रिकैप भी हो जाएगा और आप एंटी क्विज भी दे दोगे। और एंगल आर होता है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज एंगल आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये जो एंगल आर होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ये कहता है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ जो है वो कहता है कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर, ये सेकेंड लॉ है। तो दिस आर द लॉ, बेसिकली ये हमारा लॉ है एंड ये इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, बट लोगों ने गलत किया है, कुछ लोग आंसर नहीं दे पाए, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल, बट इट्स ओके। नाउ आई होप कि सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हाँ, यू कैन ऑल्सो से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये भी लॉ का ही हिस्सा है, ठीक है, एंड दिस बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, इट लाइज इन द सेम प्लेन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई होप सबको समझ आ गया है, एवरीवन इज क्लियर्ड विद दिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 of 8। हमारा मेन फोकस कहाँ पे कि हम अंडरस्टैंड करके लेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश, नाउ सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन, इरेगुलर पाथ, नन। बेटा मैं जब समझा रहा होता हूं तो आप कैसे मुझसे उम्मीद रह सकते हो कि मैं आपके चैट पे भी ध्यान दूं? दिस इज आपकी गलत उम्मीद है। सो द आंसर, एक बच्चे ने खाली गलत जवाब दिया, बाकी 25 बच्चों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड पे जितने भी लोग हैं सबने सही जवाब दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी आप लोग अपना अपना रैंक मुझे कॉमेंट करके जरा चैट में बताना। ऋतिक, सूरज, रिया, तस्लीम खान, विवेक, रोनाल्ड, आयुषी, चंदन, ज्ञानेश्वरी एंड ओला हॉप, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने बढ़िया आंसर दिया, जल्दी आंसर दिया है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली हमें लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हमारा लाइट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें हम नाइन्थ में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम टेंथ में पढ़ते हैं, कुछ इलेवेंथ में पढ़ते हैं, कुछ ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सही बात है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सही बात है, गुड, बहुत बढ़िया, आपने अपना रैंक बता रहे, फन टाइम इज ऑन 13। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर में क्या होता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। गॉट इट। अच्छा, वी हैव अनदर प्रॉपर्टी जो हम इसी क्लास में पढ़ते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इफ समवन इज फ्रॉम CBSE, ये सब आप टेंथ में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है जो हम टेंथ में पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन इन 11th एंड 12th। तो देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जिसमें से ये सारी चीजें हम 12th तक पढ़ते हैं, ओके। रेक्टिलिनियर और ये 9th में पढ़ते हैं हम, ओके। दिस इज व्हाट वी स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड एंड दिस इज व्हाट वी स्टडी इन 11th एंड 12th, ओके। सो देयर इज अ लॉट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट हर एक चीज का अपना अपना एक टाइम है, तब तब हम पढ़ते हैं, ओके। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल पीपल, ठीक है। अभी एक सब लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो एक छोटा सा गुड न्यूज बता देता हूँ, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो छोटा सा गुड न्यूज बता देता हूँ। गुड न्यूज ऐसा है कि हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक अगर आप केवल हमसे क्लास 9th पढ़ना चाहते हो तब अलग बात है, और अगर आप हमसे आप प्लान कर रहे हो कि आप क्लास 10th में हमारे पास एडमिशन लेने वाले हो तब अलग बात है, ध्यान से सुन लेना। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी ओनली क्लास 9th फ्रॉम अस, अगर आपका प्लान है कि हाँ क्लास 9th पढ़ना है, बचा कुचा टाटा, तो वी आर गोइंग टू टेक एडमिशन एंड हम चार्ज कर रहे हैं 2500 रुपीज, न्यू ईयर का ऑफर है, ठीक है। न्यू ईयर का ऑफर है 2500 रुपीज ऑल सब्जेक्ट्स। यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे लिंक दिख रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th के लिए दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे पास क्लास 10th में एडमिशन लेने वाले हो तो हम आपको कॉम्बो में एडमिशन देंगे, ठीक है। और इस कॉम्बो का जो प्राइज है दैट इज 7500। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें हम आपको क्लास 9th फ्री पढ़ाएंगे, इस पर हम कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, क्लास 9th, ठीक है, फाउंडेशन 10th, ओके, और भी एक्सेट्रा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस कॉम्बो में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कॉम्बो के बारे में। देखो, अगर आप अलग अलग लेने जाओगे, अगर ये जो मैंने लिखा है और सारे सब्जेक्ट्स है, बाय द वे ये सारे टीचर्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, संस्कृत भी इंक्लूडेड है। अभी विक्ट्री 2.0 5000 रुपये का है बिना डिस्काउंट के, आरंभ 3.0 मान लेते हैं 6000 का होगा, और फाउंडेशन बैच 7000 का, तो टोटल 8500 होता है, बट आपसे सारे साथ ही लिया जा रहा है। दिस आर द बैच बेनिफिट्स, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, डेली 2 क्लासेस होंगे आपकी, ठीक है, डेली 2 क्लासेस होंगे। आप में से जिसको भी इसके बारे में जानना है, यू कैन कॉल ऑन द नंबर जो नीचे डाला हुआ है,
पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, टर्म वन टर्म टू दोनों, आपको मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं जहां से भी आप एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी और चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा। इसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, लाइव रिवीजन एग्जाम से पहले लिया जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा मेरे से और बाकी सारे टीचर्स, और टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। दिस आर द बेनिफिट्स। पहले साथ में एक टाइम मैनेजमेंट का फ्री कोर्स देंगे पहले 50 बच्चों को, ओके, और एक ग्रामर का कोर्स देंगे और एक पीवाईक्यू की बुक भी देंगे फ्री में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये जो हमारे पहले 50 बच्चे होंगे, 34 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो अब थोड़ा टाइमलाइन समझ लो आपका। लेट्स से कि अभी टर्म टू की बात करते हैं, तो टर्म टू हमने पढ़ाना शुरू किया है मान लो 15 नवंबर से, ठीक है, नवंबर में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया एग्जाम्पल। अभी दिसंबर है मान लेते हैं, ठीक है, तो आप अगर दिसंबर में इनरोल करते हो तो क्या होगा, दिसंबर में एनरोल करने के बाद आप 9th पढ़ोगे हमसे, जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना अगर आप कॉम्बो में ले रहे हो तो, ठीक है, और फिर आपका अप्रैल में आपका 10th स्टार्ट होगा, आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, तो आपका 10th खत्म हो जाएगा, ओके। और आपका फाउंडेशन आज से लेकर के, ठीक है, आपका फाउंडेशन चलेगा जुलाई 2025 तक। ये कुछ टाइमलाइन है, डिटेल में जानने के लिए यू कैन कॉल ऑन 8527529111 ऑन दिस नंबर, डिटेल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। कैसे इनरोल करना है, तो आप हमारे ऐप पे जाओगे तो एक बैनर दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करोगे आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। पहला तरीका क्या है कि आप इस बैनर पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो का लिंक डाला हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा, और अमाउंट रहेगा उस पर आपको सीधे पेमेंट कर देना, ठीक है, सिंपली गोइंग टू पे 7500, या फिर आप इस क्यूआर कोड पे भी पे कर सकते हो, एंड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, कैन ऑल्सो पे ऑन दिस क्यू आर कोड, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, यू कैन ऑल्सो पे ऑन दिस। चलो कुछ क्वेश्चन है जो लेकर के हम फिर मेंटी को स्टार्ट करते हैं आगे। किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो भी हमारे क्लास 9th 10th में 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं और मेहनत करेंगे उन्हीं को मिलेगा, खाली बैच ज्वाइन करने से नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, क्लासेस विल बी हेल्ड लाइव और रिकॉर्डेड, सारे क्लासेस लाइव होंगे और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। क्लासेस ऐप पे होंगी या यूट्यूब पे, तो सारे क्लासेस हमारे ही ऐप पे होंगी, इजी लर्निंग है, बहुत सारे बच्चों को ये पता है, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, ज्वाइन कर रखा है, इसको हटा दो, रे हटा दो, चलो ओके। और ये जो प्राइज है, जो मैंने आपको 7500 बोला, वो पूरे कॉम्बो का प्राइज है, आपको केवल 9th चाहिए देन दैट्स करंटली 2500, नहीं तो 5000 पे रहेगा, डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑफर पे ले रहे हो, ओके। चलिए, थैंक यू, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ये ईमेल आईडी है, बाकी आपको सब पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सब लोग मेंटी पे आ जाओ वापस। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि 9th हमने पूरा सिलेबस साइंस का मैंने पढ़ा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, 10th पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है साइंस। अब लोग कहते हैं फिर से बना के डालो, कोई सेंस है इसका, एक कोई बताओ मुझे, अगर सिलेबस नहीं बदला है पूरी ईमानदारी से, अगर मैंने पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके एक बार अपलोड कर दिया है, फिर से वही वीडियो बनाओ, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे कि पुराना वाला देखूँ, नया वाला देखूँ, वो वाला देखूँ, वो वाला देखूँ, कोई सेंस है इस बात का? एक बार अगर अच्छी चीज बन जाती है तो उसको बार बार बनाओ, हमारे देश में ताजमहल है, तोड़ के वापस बनाओ, मतलब है इस बात का नहीं ना? चलो, तो आप समझदार हो तो समझो, बाकी मैं मूर्खों को नहीं समझाता मैं, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप सब मेंटली पे आ गए होंगे वापस। फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव आवर फोर्थ क्वेश्चन, हमारे ऐप का नाम है इजी लर्निंग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कॉल ऑन द नंबर, ज्यादा बेटर रहेगा राघव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के कौन से टाइप्स हैं? ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर, उतना ही बताना है आपको, ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो द आंसर इज ए एंड बी, वी हैव प्लेन मिरर एंड वी हैव स्फेरिकल मिरर, हम दोनों मिरर के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु, ऐसे कैसे अधूरे जवाब दे रहे हो, वी स्टडी अबाउट टू मिरर्स, हमने दो मिरर के बारे में पढ़ा है, एक हमारा होता है प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
और दूसरा हमारा होता है स्पेरिकल मिरर, पार्ट ऑफ स्पीयर होता है ये। स्पेरिकल मिरर में फर्दर टाइप्स हैं, कौन से फर्दर टाइप्स हैं? वी हैव अ कॉनकेव मिरर एंड वी हैव कॉनवेक्स मिरर। मिरर है ये बात याद रखना, क्योंकि ऐसे लेंस भी होते हैं जो आप 10th में पढ़ोगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है बेटा? कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है केव की तरह, पीछे से ये ऐसे पेंटेड होता है, राइट। कॉनवेक्स कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसे पेंटेड होता है। इन लोगों ने पढ़ा है, उनको फट से याद आ गया होगा, बाकी लोगों ने गड़बड़ जवाब दे करके हर एक इसी 17 लोगों ने उसे सही जवाब दिया। आई एम सो हैप्पी। लीडर बोर्ड देखते हैं, तो वी हैव ऋतिक, सूरज ने नहीं दिया, रिया, आयुषी, ऋतुजा, आदित्य, ओंकार, फन टाइम, जुनैद, एनी। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे का आंसर क्या है। इन अ प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डैश टू द साइज ऑफ इमेज। जर माझ्याकडे एक प्लेन मिरर असेल तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है इमेज के साथ? चलो इक्वल, तीन बच्चों ने गलत जवाब दिया है। बिफोर लाइक एक्चुअली शोइंग द लीडर बोर्ड, मैं आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116 दिखाता हूँ। आई विल जस्ट शो यू टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा यहाँ पे एक बोल्ड कलर से लिखा हुआ है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द सोर्स। और यहाँ पे ऐसे फोटो भी दिखाया है इन लोगों ने कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है बच्चा, ठीक है, तो उसके अंदर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज दिखता है, राइट। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये बात बताई है, बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं टेक्स्ट बुक में जो टीचर पढ़ाते हैं उस बात का। थैंक यू सो मच धवल, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, तो द राइट आंसर इज इक्वल। क्या लीडर बोर्ड है, आप लीडर बोर्ड देखो, ऋतिक, रिया, आयुषी, सूरज, ऋतुजा, फन टाइम, ओंकार, रोनाल्ड, आफरीन, चंदन। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ मैं तो पढ़ाया ही है, मैंने तो सब बताया है। थैंक यू, थैंक यू वैसे, थैंक यू सो मच धीरज। पूरी क्या हो गया? ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, नो दैट मस्ट बी अ ट्रू और फॉल्स। वेरी सिंपल, दैट्स ट्रू, दैट्स मोर काइंड ऑफ जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन। चलो सूरज बढ़िया यार। ओके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग प्लेन मिरर इज पेंटेड बाय डैश। अगर हमें सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करना है तो प्लेन मिरर को किससे कोट करोगे? किताबवा में लिखा हुआ है, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लीड ऑक्साइड, एब्सोल्युटली राइट आंसर। चार लोगों ने गलत किया है। नाउ इफ यू लुक इन द पेज नंबर 115, यू लुक इनटू द पेज नंबर 115, देन यू विल सी अ लीड ऑक्साइड लिखा हुआ है। कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्टिंग फिल्म, तो रिफ्लेक्टिंग फिल्म हमने डाला है किसी भी चीज का, चाहे वो सिल्वर का हो या एल्यूमिनियम का हो, तो प्रोटेक्ट करने के लिए और हम दूसरे साइड को ओपेक बनाने के लिए कि लाइट बाहर ना जाए उसमें से, हम एक कोट चढ़ाते एक सब्सटेंस जैसे कि लीड ऑक्साइड। हमारे किताब में दिया हुआ है लीड ऑक्साइड, PBO। ठीक है, गुड भाई गुड, बढ़िया बढ़िया। और 10th के लिए भी मेंटी लूंगा, ऐसे ऐसे पागल मत हो जाओ, लूंगा यार, पागल होने की जरूरत नहीं है। चलो लेट्स सी द लीडर बोर्ड, भगवान का नाम लेके लीडर बोर्ड देखते हैं। तो वी हैव ऋतिक, रिया, आयुषी, सूरज, ओंकार, फन टाइम, रोनाल्ड, आफरी, आदित्य, ओल्फ मेस्टर। गुड,
लास्ट क्वेश्चन क्या लगता है कौन जीतेगा, नहीं बताओ तो खत्म होने वाला मिनटी को, जब क्या कर रहे हो, क्या लगता है कौन जीतेगा, व्हाट डू यू थिंक कौन जीतने वाला है? राधे राधे, कौन जीतने वाला है? देखो कुछ तो बड़ा ऑब्वियस होता है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, जो टॉप में है उनमें से कोई जीतने वाला है, बड़ा ऑब्वियस ही बात है, बट अगेन व्हाट डू यू थिंक? चलो ठीक है, सूरज जीतेगा, तो टॉप थ्री में बहुत टफ कंपटीशन होता है, बाकी भी कोई ऊपर आ सकता है, पहले नौ ने आंसर नहीं दिया तो दसवां ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बढ़िया है। चलो इसी बात पे लाइक का बटन दबा दो, और जितने भी लोग हमारे बैचेस में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, अभी क्लास जैसी मेरा खत्म हो तुरंत इस नंबर पे कॉल करना, तो आपकी मुझसे बात हो सकती है, ठीक है? आप इस नंबर पे, मैं अभी बैठा ही हूँ, मेरा क्लास 9 बजे, तो आप कॉल करके 9 PM से पहले आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे शुभम सर से बात करनी है कॉम्बो के बारे में या नाइन्थ के बारे में, कुछ इंक्वायरी करनी है, तो यू कैन सिंपली से, और मैं आपसे बात करके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर कर दूंगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप डिसाइड कर पाओगे कि लेना है कि नहीं लेना। एंड विद दैट नोट लेट्स सी द 8th क्वेश्चन नाउ, देखते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं जीतूंगा, लेट्स सी। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई थी, इफ द नंबर ऑफ इमेजेस इज 3 देन द एंगल बिटवीन द मिरर इज, बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्स्टबुक में तो इसका बाइज्जत फोटो दिया हुआ है, टेक्स्टबुक में तो इसका फोटो दिया हुआ है बाइज्जत। वाओ, 7-8 लोगों ने गलत किया, बाकी सब लोगों ने सही दिया है, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बचवा लोग, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं आप लोगों पे। इसका आंसर है 90, बाय द वे बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लीडर बोर्ड, 60 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री होगा बहन, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा दिया भी है, देखो आपको अगर इस फोटो में देखोगे तो 1, 2, 3 इमेजेस है, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो हम इसको अगर प्रैक्टिकली अपने पूरी दिमाग का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली इस तरीके से कुछ रखा होना चाहिए हमारा, ये दो मिरर्स अगर ऐसे रखे होंगे, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा, इन दैट केस यहाँ पे अगर एंगल हम देखेंगे तो एंगल इज 90 डिग्री, हमें 3 इमेजेस मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ए इज द एंगल माइनस 1, दैट्स द फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम डालने जाए तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री डाल के देखते हैं, माइनस 1, ये 0-0 कैंसिल हो जाएगा, 9-1 जा 9, 9-4 जा 36, तो दैट्स 4-1 एंड दैट इज 3, तो हमें कितने इमेजेस मिले, इमेजेस मिले 3 इमेजेस मिले हैं हमें, एंगल इज 90 डिग्री, एंड विच इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडमिशन इन आवर बैचेस प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ पहले कि तुम लोग भाग जाओ, ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के 9th के रिजल्ट्स हैं, पर था तो मैं ओपन करके ले आया, दिस आर फ्यू लास्ट ईयर 9th रिजल्ट, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ईयर भी आपको दिख ही जाएगा, 6-5-2023 में अभी जो बच्चे अभी 10th में जा चुके हैं उनका रिजल्ट है, नेक्स्ट मिनट हम परसों लेंगे, ठीक है? यू कैन सी यहाँ पे इस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जैसे प्रथम भाषा में इसने 94 स्कोर किया है, द्वितीय भाषा में मतलब सेकंड लैंग्वेज में 99, फिर 98, ठीक है, कमाल की बात है कि बच्चा हमारे पास था, फिर साइंस में इसने 99 स्कोर किया है, सोशल स्टडी में 99, तो 600 में से 588 स्कोर किया, अगर हम बेस्ट ऑफ 5 करके परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत तगड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी इसका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, 90 से तो काफ़ी ऊपर आएगा, ठीक है, दैट यू कैन ईजिली सी दैट पॉइंट है ना। ऐसे आपको भी स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ता है इसके लिए, मैं इसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि हमारा बैच ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा, फॉर दिस पर्पज यू नीड टू स्टडी, मतलब स्टडी करायला लागेल ह्यासाठी, ओके। चलिए अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं ना, वी हैव दिस अनदर रिजल्ट, यहाँ पे तो हम सीधे परसेंटेज देख लेते हैं, 94% है इस बच्चे को, स्टूडेंट है स्कोर 94%, बच्चे का नाम क्या है, डामले समर्थ, अभी हमारे 10th के आरंभ बैच में, अभी हमारा आरंभ 2.0 बैच में बच्चा है, 9th में था पिछले साल,
यहाँ पे देखो एक अलग अलग स्कूल्स अलग अलग रिजल्ट देती है, यहाँ पे 93.66%, ठीक है, दिस इज अनदर रिजल्ट, जैसे बच्चों ने भेजा वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आड़े टेढ़े को इग्नोर मारना थोड़ा, देखो अगेन दिस रिजल्ट इज 92.50, ठीक है, और ये किसका है, ये है शिवरत्ना कैलाश वरत, वरत का रिजल्ट है, वरत भी हमारे पास अभी टेंथ में है, ठीक है, अगेन यू कैन सी दिस 80 क्या आता है इसको 9 बोलेंगे ना, हाँ 89%, 89.66%, ऐसा नहीं कि सब 90 वाले ही है, ठीक है, दिस इज पाटिल दिशा शैलेश, ओके, फिर यहाँ पे अगर आप एक और रिजल्ट देखोगे तो वी हैव दिस रिजल्ट 90.33, क्या, और बाकी आप मार्क्स देख सकते हो, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, जैसे बच्चों ने फोटो भेजा है, मेरे घर का नहीं है भाई, ये बच्चों ने अपने अपने फ्लोर पे डाल के भेजा है, डीपी गुड के पाटिल पब्लिक स्कूल से बच्चा है, इसको 87% मिले हैं, ठीक है, साक्षी नाम है इस बच्चे का, सेंट एनीज आई थिंक तन्वी का रिजल्ट होगा ये, तन्वी सी इज ऑल्सो इन अवर 10th स्टैंडर्ड नाउ, उसको 89% मिले थे, यू कैन सी दिस 89%, तन्वी जोशी अभी हमारे पास इसमें भी है, क्योंकि तो अपने बाप को भी ऐसे ही गाली देना, ठीक है बेटा, कि तेरा बाप भी तुझे देता होगा, एनीवे इग्नोर हिम, तो आप भी दो रिटर्न, क्या के रिजल्ट लाइव क्लास में आके गाली देते हैं ना, आप अपने पापा मम्मी को भी देना है, ये सीख के आ रहे होंगे, बाहर से सीख रहे होंगे तो घर पे भी ट्राई करो, ये चीज़ें घर पे भी दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरा खर्चा, मेरा घर तो आपके पापा चलाते होंगे, ठीक है, ये सारे बच्चों को तो आपने पढ़ाया है, वेरी स्मार्ट, तो ब्लॉक किया जाए, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट को ना हटा देना चाहिए, ओके, सो दिस इज अनदर रिजल्ट, यू कैन सी दिस रिजल्ट 95.40, तो देखो क्या होता है ना, पॉइंट क्या है, बहुत सारे रिजल्ट है, एक एक के डिटेल में नहीं घुसेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल टू स्कोर, बस हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे कहीं से भी पढ़े, ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, हमें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, रिजल्ट हमें तभी आता है जब हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं, आप मेरे बैच में रहो या किसी के बैच में भी रहो, और हमारे बैचेस में हमने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और आप फाइनली लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार बिफोर एंडिंग दिस सेशन, तो रुतिक प्रिया आयुषी मुझे लग रहा है आयुषी और रुतिक, रुतिक इज द फाइनल विनर, रिया आयुषी ओंकार फन टाइम अमित आफरीन सुजल सूरज सॉरी आदित्य आदित्य पाटिल वेरी गुड आदित्य, दो दो फोन से ज्वाइन हो कि दो अलग आदित्य पाटिल है, ठीक है, अच्छा एक और बात, मेरे साथ ना लाइव क्लास में बदतमीजी मत करना, मैं खुद ही बहुत बदतमीज हूँ, ठीक है, ओके चलो, अभी जितने भी लोग सेशन में हैं उन लोगों से एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ तुम लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग जब आके बदतमीजी करते हैं, तो एक बार क्या हुआ, वैसे कहानी बहुत खुशी की कहानी नहीं है, थोड़ी गम की कहानी है, एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी बीमार हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं था, बट ठीक है फिर भी मम्मी बीमार हो गई थी, और काफ़ी 10-12 हज़ार का खर्चा हुआ हॉस्पिटल, बड़ा अमाउंट नहीं है 10-12 हज़ार रुपये बींग ऑनेस्ट, ठीक है, सही था, मेरा कजिन ब्रदर था दूसरा केस, ये बहुत सीरियस वाला, जरूरी नहीं हर केस में माँ बाप ही बीमार हो और इमोशनल स्टोरी हो, कोई और भी हो सकता है ना, तो मेरा कजिन ब्रदर बीमार हो गया, मेरे सामने ऐसे लेटा हुआ था एंड अचानक से ऐसे करने लगा, उसको मतलब शायद उसको हार्ट अटैक आने वाला था, फटाफट उसको मेरे घर के बाजू में ही सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए, नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसको इंजेक्शन विंजेक्शन दिया और फिर उसको बोला कि इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओ आईसीयू में डालना पड़े, हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ से, और फिर उसको आईसीयू में डाला, अंदर पैक पैक पानी वानी चढ़ा रहे थे, डॉक्टर अपना दवाई ववाई दे रहा था, डॉक्टर ऐसा पर्ची देता था मेरे को, मैं जाता था दवाई लेके आता था, एंड फर्स्ट नाइट को मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा हम तीनों हॉस्पिटल में ही सोए क्योंकि वो एडमिट था, ठीक है, उस दिन मुझे दो चीज़ें रियलाइज हुई, पहला तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एंड ट्रस्ट मी ओवर दिस, उस टाइम में मैं यूट्यूब पे खाली फ्री में काम करता, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आज मेरे मम्मी पापा को इस हालत में रहना, अगेन हॉस्पिटल में वैसे ही रहना पड़ता है शायद, तो रहना पड़ा, तीन दिन तक वो एडमिट रहा और तीन दिन बाद जो बिल आया दैट वॉज 44,000 रुपीज टोटल, ये 44,000 रुपीज मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा,
मैं उस टाइम में केवल यूट्यूब पे काम करता था, यूट्यूब से 8,000-10,000 रुपए आते हैं, फटके हाथ में आ गई थी इतना पैसा चुकाने के लिए क्रेडिट, समझ रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं थे, कहाँ से आएगा। कल को अगर मेरे माँ बाप बीमार हो जाते हैं मैं क्या दिखाऊंगा हॉस्पिटल में ले जाके, भैया ये देखो ये नमूना बच्चा मुझे कमेंट करता था कि कोई कोर्स मत सेल करो इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं डू दैट। तो ये जितने भी ये बकवास करने वाले लोग होते हैं वो सब ध्यान से सुन ले, मेरी भी एक फैमिली है, ठीक है, मुझे भी उनको रोटी कपड़ा मकान देना पड़ता है, एक टीचर हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय एंड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि इस क्वालिटी का पढ़ाने के लिए भी पैसा लगता है जो आपको फ्री में मिल रहा है। इनफैक्ट अभी मैंने जितना भी आपके लिए किया ये सब फ्री था और इसके लिए भी पैसा लगता है, आपको फ्री मिल रहा है हमें पैसा लगता है। मैं कोई अंबानी के घर में तो पैदा हुआ नहीं हूँ, ना टाटा के घर में, ना इलॉन मस्क के घर में, मैं तो मेरे बाप के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पापा के घर में। क्या है, मेरे पापा इतने पैसे वाले नहीं है तो ऐसे बोलेंगे बेटा ये ले 1 करोड़ रुपए और अपना एक्सपेरिमेंट कर, या तो 1,000 रुपए भी ना दे सके, ऐसी हालत है, समझ रहे हो। तो यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हर एक चीज फ्री में हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगा बताओ, मुझे भी अपना देख के चलना पड़ता है ना, बीइंग अ टीचर दिस इज व्हाट आई डू, मुझे इसमें मजा आता है। जैसे आप सब भी अपने आप के बारे में सोचते होगे ना कि वी वांट टू फॉलो आवर पैशन, वैसे मेरे लिए एक टीचर बनना मेरा पैशन था एंड आई एम डूइंग दैट, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये कुछ इक्के दुक्के नमूने आके जब कॉमेंट करते हैं ना, क्या बोलूँ, मैं पता है सेल्स नहीं रुका रहे तो बढ़िया चल रहा, ठीक है। ऐसे लोगों को अंदर हिम्मत नहीं होती कि किसी के सामने आकर के बोले, जितनी ये सामने आके बोलेंगे पता है क्या होगा, किसी के भी सामने अगर ऐसे जाके बोलेंगे ना बहुत आएंगे कष्ट में, किसी के सामने पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, क्या उन लोगों के एरिया में ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी, क्यों होंगी, ये कौन, ये भी महा गधा बच्चा है, इसको भी हटा दो, काम करने वाले सबको हटा दिया जाए, चलो तो वहाँ पे लोग नहीं बोल सकते, स्कूल के टीचर्स ही क्लास में बुलाते हैं पढ़ाते हैं बट वहाँ नहीं बोल सकते। एनी वे आई होप कि दैट्स क्लियर कि हम क्यों करते हैं, अगर मैं भी कोई, मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं नहीं करता, बट ऐसा मैं कोई करोड़पति हूँ नहीं तो आई हैव टू डू दैट, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अफोर्डेबल। जितने भी लोगों के माँ बाप ईमानदारी से मेहनत करते होंगे और उनका घर चल रहा है वो सब मेरी बात समझते हैं, बाकी मुझे बेवकूफ़ों को समझाने की कोई इच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, बाय द वे इफ यू पीपल आर विलिंग टू ज्वाइन दिस बैचेस जो भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 9th हम फ्री में पढ़ा देंगे अगर आप हमारे पास, और फाउंडेशन भी आपको फ्री में पढ़ा देंगे इनकेस अगर आप हमारा कॉम्बो ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। और अगर आप क्लास 9th केवल ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चालू है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और कॉल कर सकते हो ऑन दिस पॉइंट, मैं अभी आपका कॉल उठा सकता हूँ, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, हिट द लाइक बटन, चलो 50 लाइक कर देते हैं इसको, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है 90% लोग समझते हैं, 10% ही गधे होते हैं, बट उनसे मूड खराब हो जाता है यार, और कुछ नहीं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। चलो 3 लाइक्स बाकी, 50 कर दो फटाफट। तो ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू राज एक्स स्टेटस, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आई विल टॉक टू यू। मैंने वीडियो में बताया वैसे, आप प्लीज वीडियो पूरा देखें आपको समझ आ जाएगा, आगे पीछे करके थोड़ा देखें आपको। आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। 10th का लाइव भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ 10th के लाइव से याद आया, मैं बता देता हूँ अगर कोई 10th का बच्चा है तो, मैंने आज एक वीडियो बना के कुछ चीज़ें डाली थी और मैं 10th के लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रहा था, तो मैंने ये कुछ चीजें प्लान किया 10th के लिए, दिखा देता हूँ मैं, सॉरी सर 10th वाले ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ठीक है। 10th वालों के लिए मैंने कुछ ये चीजें प्लान की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर ले लूंगा मैं PYQ के थ्रू, मेंटी क्विजेस लूंगा आप लोगों का लाइव, बाकी ये सारा मैं रिकॉर्डेड डालने वाला हूँ, न्यूमेरिकल की एक सीरीज लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट 10th के लिए, केमिकल रिएक्शन वाला लाने वाला हूँ,
एंड ऑल्सो डाइग्राम्स वाला लाने वाला हूँ, इनमें से क्या क्या ला पाऊंगा पता नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर 50 लाइक्स, जिनको भी एडमिशन लेना है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। परसों हम एक और मिनटी क्विज करेंगे ठीक है, नाइन्थ का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी ऑफ साउंड पढ़ लेना। हाँ टेंथ वाले मैंने जितने बताया सब यूट्यूब पे आने वाला है।